ऐसा समंदर है। ये सूरतुल फातिहा रब ताला इसकी इब्तिदा फरमा रहा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। तो बड़ाई ये हम्द अल्लाह के लिए। इसमें पैगाम मिला हमें बंदों को कि ये बंदे तू किसी भी कंडीशन में हो, हमदे इलाही से गाफिल मत रहना। कुरान शुरू करने वाला जो कुरान पढ़ेगा वो बादशाह भी हो सकता है, अलग अलग स्टेटस वाले लोग, वजीर भी हो सकता है, सिपाही भी हो सकता है, दरबान भी हो सकता है, झोपड़ी में रहने वाला भी हो सकता है, हवेलियों में रहने वाला भी हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट का आला अफसर भी हो सकता है, कहीं चपरासी भी हो सकता है, वो हो सकता है किसी जुर्म की वजह से जेल गया हो, वो कैदी भी हो सकता है, वो आजाद भी हो सकता है। लेकिन जो भी कुरान शुरू करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही से करेगा। ऐसा नहीं कि मालदार लोग की बिगिनिंग कहीं से हो, गरीबों की बिगिनिंग कहीं से। स्टेटस जिसके जैसे हो, हालत जैसी हो, पोजीशन जैसी भी हो, कंडीशन जैसी भी हो, हम्द सबको बजा लाना, ये पैगाम है, ये दर्स है, किसी भी हालत में हो। यानी तुम अच्छी अच्छी नेमतें अपने दस्तरखान पर पाओ तब भी हम्द करो, और अगर फाका कर रहे हो तब भी हम्द करो। दर्स दोनों हालत में हमें, हम ऊंचे तब भी, हम पीछे हैं तब भी, हर हाल में हमें खुदा की हम्द बजा लानी है।